आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो करते हैं व्लॉग स्टार्टिंग सुबह के 8 बजे से। और आज किचन की छत पड़ रही है तो मैं सोचा व्लॉग बना देती हूँ। फिलहाल तो मैंने रोटी सब्जी बना दी है, तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी बने रहो व्लॉग। गुगू गुड मॉर्निंग। थैंक यू नी, गुड मॉर्निंग बोल। तो आज धूप भी नहीं आ रही कि मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है। और ये है किचन, अब छत पड़ेगी इसमें। तो यहाँ भी लोग आ चुके हैं, लोग मतलब मिस्त्री लोग आ गए हैं, आधा वैसे बुला रखे लोग क्योंकि आज छत पड़ रही है। तो अभी धो रही है बर्तन और मम्मी आते हुए। फिलहाल मुझे ये मतलब जो आग की जलाई हुई छार रहती है उससे ये पूरा कवर करना है क्योंकि इसमें बाद में चावल बनेंगे तो चूल्हे में काला हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा आग वाली छार से पूरा कवर करना है। तो अभी हम पाइप लगा रहे, यहाँ से पूरे 3 पाइप बिछा के पूरे उधर है घर। हाँ तक यहाँ पानी की बहुत कमी है यार, तो इसलिए हम पाइप लगा रहे अभी। देखो पानी आ गया, अब होने लग गया काम शुरू। तो बाहर पे काम चल रहा, तो कल्लू पे यहाँ लग रहा है तेल। और बाहर पूरा ऐसा ऐसा हो रहा है। वीडियो बना रही मैं। ये गाय पता नहीं किसकी है, इसने हमारे पूरे खेत उजाड़ दिए यहाँ, इसकी वजह से आज मीटिंग भी रखी गई। जिसकी भी है भाई पहचान के ले जाओ इसको। गाय तो नहीं है, बैल है ना, बैल है, तो लोग ऐसे छोड़ दे रहे, इसलिए हमारे यहाँ मीटिंग थी आज। यहाँ पे सब्जी वब्जी की तैयारी चल रही है। देखो मामा आर के, तो मामा लोग बना रहे सब्जी। अब बनोल की और नीचे छत भी पड़ चुकी है आधी आधी। तो हम जा रहे गौशाला मैं और बब्बी। फिर तो अभी हम जा रहे गौशाला, यहाँ लोगों ने प्याज और लहसुन बो रखे हैं और छत भी इतनी पड़ चुकी है। तो अभी गौशाला जाते हैं, फिर आपको गौशाला दिखाते हैं हम। आप भी बने रहो व्लॉग के साथ। ये है हमारी सुंदरी मुंदरी। तो ये है हमारी गौशाला, ये पहले इतने तक थी, इतनी छोटी थी ये पहले, फिर अब थोड़ी यहाँ पे से थोड़ी बड़ी बनाई गई है, फिर अब ठीक है। ये 2 भैंस है, 2 बैल है और ये बकरियाँ भी हैं। और ये आधा कुछ लोगों के आधा मारे हैं। तो ये है, हम गौशाला ज़्यादा आते तो हैं लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना रखी गौशाला की, तो फिर मैं सोचा आज दिखा देती हूँ। ये 2 भी हैं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का व्यू आता है। यहाँ आगे जंगल है, उसके उधर इसके इधर वो है अंद्रपार कुल्लागाड़, यहाँ ऊपर मटकोट है, ये डूंगरी है और इससे ऊपर तो हमारा गांव है। बस इतना है,
हमारे गौशाला सबसे नीचे है तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। फिलहाल हम इनको पानी वानी पिलाने आ रखे थे क्योंकि घर में मम्मी लोग काम कर रहे हैं आज, तो इसलिए हमने सोचा हम ही आते हैं। हमने नहीं सोचा, मम्मी लोगों ने कहा हमें कि तुम लोग जाओ करके, तो इसलिए हम आ गए। और देखो चाची आ गई घास लेके। अब भैंस का बच्चा है अंदर, थोड़ी उसको निकालेंगे हम बाहर। तो इसको बाहर निकाल रहे हैं हम अभी, पर ये जाता ही नहीं यार। चल 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 जाने जो जा बैठी की जहा बाय बाय मिलन। जा बहर बजे जाए बांध दे परे हम। तो मुर्गे और मुर्गी भी है हमारे, नहीं दोनों मुर्गियां हैं ये कड़कनाथ है। और शायद इन्होंने अंडा देते हैं ना, ये शायद दिया होगा। देर खा एक नहीं दोनों ने दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है। फिलहाल मैं तो आज ही देख रही इनको कि ये यहाँ रहते हैं, ये पापा ने बना रखा उनको रहने के लिए। तो दो अंडे दे दिए दोनों ने, हमेशा दे दे एक एक। रुक जा नहीं मारूं तू। रुक जा यार, फाइनली मैंने खोल दिया। अरे कैच रुक ना यार मर जाता, हट। ये इनको दूध नहीं पिलाता ना। वोचो भाभी वोचो, घुमा बच्चा जंगल में आग लगी, डरो डरो बच्चों जंगल में आग लगी। ये कोई क्यूट है, छुनरी मुनरी। तो ये जो पकड़ा है ना भाभी ने, बहुत शैतान है यार। इसको हम बेच रहे, इसको क्या इन दोनों को बेच रहे हम। तो अगर कोई इसको ले जाना चाहता होगा तो ले जा लेना। तो हम इस लाल वाले का पैर बांध रहे अभी, ये भाग जा रहा फिर बब्बी और मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा। चल अब अबल हो साला। ये तो ठीक है ये वाला। तो दोस्तों मेरे को आई थी रील प्रमोशन, 4 आई थी आज के लिए। तो वो बोल रहे आज ही बना दो, मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि घर में छत पड़ रही है। अभी हम गाय भैंसों के साथ हार के, तो एक रील तो मैंने अपने कपड़ों में बना दी, नहीं मैं नॉर्मली शकल तो मैंने धो नहीं रखा मुँह। और एक मैंने कहा बबी को ये वाला दे दे मेरे को बाहर से पहनने के लिए। तो जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग भी, अब तीसरी चौथी रील देखते हैं आप क्या होता है। तो मैंने ये पहन लिया है, मैं रील बनाती हूँ एक और फिर चलते हैं घर। घर में टाइम नहीं मिलता ना, तो हमने सोचा यहीं बना देते रील। यहाँ वैसे भी बैठ रहे हैं हम, गाय भैंस तो चल रहे हैं। तो हम उस लाल वाले को पकड़ रहे, अभी दिख नहीं रहा हो नीचे हम बबी। उसने बबी को देखा, बबी छुप गई। खो गौ भाई भगे ना यार, प्लीज तू ये बस पकड़ी रेख। ये तो बढ़िया जा रही, सुर सुर करती पूरी बस। भाई पकड़ यार वे, प्लीज भगे ना मैं तू हाथ जोड़ू ना वो गिना गिन जोड़ी ना पकड़ना। अरे भाभी ना दौड़ यार पीछे, नुक के काम ही नहीं छू। भाभी तो गाँव में आए हलू नुल गए जो चल दे जान उन। आप गाइस मैं थक गई या हे ब
बड़ी हरे में 400 आ रहे। ए ए आजा 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 चल तू तय जोर उन्हीं बोल चल 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 ये फाइनली हमने पकड़ लिया लालू को। भाई तुम आप नहीं तभी तो जा रहे हो तो गाइस हम गौशाला पहुंच चुके हैं और इसका पेट देखो ये हम थोकी यार। ए तू कौन जा रहे अब आ जा यूं क्या ये माँ बाल्टी बेल्टी फंसी हुई है मुकुल ए को जोड़ी वो ये लो ये ले अरे निकाल ले ले अब बेल्टी तू ही रख नहीं है उसमें कुछ नहीं देख फिर फंसी जा हम इन दोनों को भी ले जा रहे थे लेकिन ये भी बहुत दौड़ रहे यार इसलिए हम अच्छा हुआ इनको नहीं ले गए इतनी परेशान ही है लेगी यार हम यूँ तो दूर है बात है। तो फाइनली हमने इनको दोबारा थोड़ी पानी पिलाया है वैसे चाची ने पिला दिया था तो हमने दोबारा पिला दिया इनसे मिलिए ये है सुंदरी मुंदरी ये सुंदरी मुंदरी सुंदरी मुंदरी तो हम गौशाले से आए तो अब तक तो पड़ गई है पूरी छत थोड़ी सी बच गई है वो भी पड़ गई है तो अब खाना पीना होगा शायद तो देखते हैं क्या क्या होता है हो ही चुका है पूरा दादा बाहुबली बने हैं दादा बाहुबली बने हैं और यहाँ पे चाची रोटी बना रहे हैं ये सब लोग चाय वाय पी रहे हैं खाना यहीं पे बना बाहर पे शायद क्योंकि नीचे पूरा अजीब अजीब घोर का वहाँ काम ही काम। अभी हम लोग रोटी बना रहे हैं उसके बाद क्या कर रहे हैं घर में जाएंगे बाहर खाएंगे उसके बाद बाहर खाएंगे बाहर में जाएंगे और बहुत काम ही काम हो रखा है मुश्किल से तो वो हमें जो है जी वो हमें दी रील बने बिहार में। तो खाना पीना हो चुका है हम अब लास्ट वाले हैं सब जो काम वाले थे वो सब चले गए खाना पीना खा के अभी टाइम हो रहा है 2 बज रही है तो 2 बजे सारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम खाना खाते हैं। खेचल मेल भाई थी अभी दादी को देखो बल सब लोग दादी भात खा रही है तो अब लास्ट में हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो अभी सारा घर का काम निपटा निपटू के यहाँ जो बैल सुबह दिखाया ना मैंने आपको उसको छोड़ने जा रहे हैं ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे तो मैं भी जा रही हूँ क्योंकि मम्मी बिजी है ना घर में इसलिए तो इस प्रकार से हम कोगाव बार ये है इस बैल को छोड़ने जा रहे ये जिसने भी छोड़ रखा अपने बैल को ले जा देना चल बोल कुछ बोल रहे बल दले मैं कुछ नहीं बोली हाय हम आ गए वहां पे बहुत चिड़ा है क्योंकि लोप बल गोर भैंस और छोड़ दियो हम उन्हें के जान पानी हो
तो ये देखो गांवली वालों के खेत में भी है एक, हम इसको भी ले जा रहे हैं। जो भी गांवली सब लोग देख रहा होगा खेल है के लीजो से मजे है उसके देखिए लेला उठी उठी नहीं तुम आसो ना हम आसो या तो हटा ले तो तुम्हारी हमें बहुत जबरदस्त फंदेर हो जाए सुन ले अरे जे ये बाल हको यो जे ये बाल हमारा गाय सर वही बाल लेगी आज देखा कम और सुन ये इनके जाने हम यो याद होई परे वा पूछी तो सुर बाल लेके ऐसे मत छोड़ा करो यार। तो हम पहुंच चुके हैं शिवालय, ये देखो बहुत कष्ट कर रहे हमारे गांव कमा कबाब अथीड़े है वो अथीड़े ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा हमारे गांव जाने पड़ रहा सुबह से नहीं मैं वीडियो खेल ढाड़ी कमा रहे हैं सुबह से अच्छा आपको बेल हकाने जा रहे हैं हमारे गांव वाले बोल रहे हैं ऐसी वीडियो मत बनाओ ऐसी वीडियो बनानी चाहिए एक लड़की इसको सीख रही बस सीख रही नहीं यार इसको कुछ अरे अगर किसी के बैल है ना ऐसे मत छोड़ा करो हमें दिक्कत आ रही है हमारे पूरा खेत वेत ऐसा कर दिया इन्होंने की हम लोग जाते जाते धुनारघाट पहुंच गए हैं अब देखते हैं कहाँ ले जाते हैं इनको ये लोग तो बोले तहसील में रखो बल सिद्धा तो देखते हैं क्या होता है तो अभी हम पंडवाघाट पहुँच चुके हैं यहाँ मैंने देखा नहीं था लेकिन इन बैलों के कारण मैंने पंडवाघाट में देख लिया है हाँ डंडागिरी तो ये देखो कुछ इस प्रकार दिखता है और यहाँ छल भी लगता है वहाँ ऊपर चाय पत्ती के पेड़ हैं और यहाँ से देखते हैं कहाँ जाता वाले तो हम तीन हैं इधर और सब नदी के उधर चले गए क्योंकि उधर साइड थोड़ी गंदा इलाका है वाले इसलिए मैं नहीं गई वहाँ तो हम आज ट्रक में जा रहे हैं ये देखो बाय 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 जैसे कटा हटा अरे रुका जाओ तो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और वो जो बैल भेजने गए थे ना हम वो ना पता नहीं किसने छोड़े थे तो कोई माइंड वगैरह मत करना कि हम ऐसे बैल वगैरह को ऐसे छोड़ रहे छोड़ा तो नहीं हमने पर उधर जंगल के साइड भेज दिया मतलब तो वो ऐसे ही यार घास वास खा रहे तो लोग उन्हें तो भेजना है वो तो जिन्होंने छोड़ा है वो उनकी गलती है तो आप लोग ऐसा गंदे वाले कमेंट मत करना हमारे लिए क्योंकि पता है कि बहुत लोग देखेंगे वीडियो और बहुत लोग सोचेंगे भी फिर हमें ही बोलेंगे तो इसलिए बोल रही हूँ मैं कि हमारी कोई गलती नहीं है ये जिनके बैल है ना जिन्होंने छोड़े हैं ये उन्हीं की गलती है एक बार तो सब लोग कह रहे थे कि तहसील में ले जाओ उनके के कान पे पता नहीं क्या बांध रखना उसमें तब उनका आधार नंबर लिखा है उनके घर वालों का उसके बाद नहीं गए हम खाली केस वेश होता तो अच्छा नहीं होता ना तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें मिलते हैं नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए तब तक के लिए बाय डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।